11 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना इटिया थोक क्षेत्र के तिर्रे मनोरमा गांव के राम जानकी मंदिर से एक पुजारी के घायल होने की सूचना मिली। इस सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची, हॉस्पिटल जाके जानकारी की गई तो ये पता चला कि वहां पे रह रहे एक पुजारी जिनका नाम सम्राट दास है, उनको बाएं कंधे पे गोली लगी थी। जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गोली बिल्कुल नजदीक से मारी गई है, ऑलमोस्ट सटा के गोली मारी गई है। उसके बाद वहां पे तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें पुजारी ने 4 लोगों को नामजद किया जिनसे इनके पूर्व में विवाद चल रहे थे, जो उसी गांव के रहने वाले थे। इस घटना का आज सफल अनावरण किया गया है और ये पाया गया है कि जो बात बताई गई थी वो पूरी तरह से असत्य और निराधार थी। ये उन 4 लोगों को फंसाने की साजिश थी और आज इस साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। कुल 7 लोगों को इसने गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य व्यक्ति जो कि घटना में चोटिल है वो अभी हॉस्पिटल में है, जो कि साजिश का हिस्सा है, और एक अभियुक्त इसमें फरार है। घटना के पीछे का बैकग्राउंड ये रहा है कि उस मंदिर के जमीन का विवाद अमर सिंह से और पुजारी के बीच में, जो सीताराम दास जिनका नाम है, उनके और अमर सिंह के बीच में ये विवाद था। इसमें पिछले वर्ष भी मुकदमा लिखा गया था और कुछ ही दिन पहले अमर सिंह जेल से बाहर आए थे। जेल से उसके बाहर आने के बाद से ही पुजारी तथा वर्तमान ग्राम प्रधान वहां का, क्योंकि प्रधानी का इलेक्शन आने वाला था और उसके दिमाग में ये था कि अगर अमर सिंह दोबारा जेल चला जाएगा तो उसकी प्रधानी आसान हो जाएगी और एक पंथ दो काज हो जाएगा, पुजारी भी इसमें संतुष्ट हो जाएगा और जो प्रधानी का चुनाव है उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह विनय सिंह जो गांव का प्रधान है उसके 2 लड़के नीरज और सूरज, और इधर से जो मेन पुजारी सीताराम दास है उनके सहयोगी सम्राट दास, एक और इनका सहयोगी जो अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश से आया था विपिन द्विवेदी, वो प्रधान के और नजदीकी एसोसिएट जिसमें मुन्ना, सोनू और शिवशंकर हैं, इन सब ने पूरी प्लानिंग की तरफ इस घटना को अंजाम दिया। और घटना की रात सोनू और मुन्ना ये दोनों मंदिर में अंदर घुसे, उस समय एक होमगार्ड लापरवाही पूर्वक सो रहा था। इसमें नीरज जो प्रधान का बेटा है वो मंदिर के छत पे वॉच कर रहा था मूवमेंट, और ये होमगार्डों की गतिविधि वॉच करते हुए उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सही समय पे जो दोनों लोग असलहे के साथ थे उनको मंदिर के अंदर प्रवेश कराता। इस तरह जब एक होमगार्ड लघु शंका के लिए मंदिर के पीछे साइड गया तभी नीरज ने इशारा किया और 2 अभियुक्त जो इसमें मुन्ना और सोनू हैं ये मय असलहे कारतूस के अंदर आते हैं। दरवाजा खुला था क्योंकि पूरी प्लानिंग थी, मंदिर के अंदर का दरवाजा खुला था जहां पुजारी सो रहे थे, सीधा जाके बाएं कंधे पे सटा के गोली मारी गई। इस उद्देश्य से मारी गई कि इनको जीवन भय भी ना रहे और दूसरे को फंसाया भी जा सके, और तत्काल वहां से भाग गया। सोनू जो है मुन्ना के साथ, सोनू जो था वो भी असलहे के साथ गया था, वो एज अ बैकअप वहां गया था कि अगर कोई समस्या आएगी तो वो भी रिएक्ट करेगा। इनके जाने के बाद जब होमगार्ड ने फायरिंग की आवाज सुनी तो पुजारी के पास गया और जब उसको खून से लथपथ देखा तो जो मेन पुजारी सीताराम दास जो कि वापस अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था उसको जगाया। वहां पे इन्होंने बिना एम्बुलेंस को कॉल किए, बिना वहां से 112 पे कॉल किए, पहले ये प्रधान के घर सीताराम दास और एक होमगार्ड को लेके प्रधान के घर गए। पीछे से जो पुजारी जिसको गोली लगी थी उसने दूसरे होमगार्ड को लेके प्रधान के घर जाने की बात कही। वहां जाने के बाद प्रधान की गाड़ी से ये लोग हॉस्पिटल आए और उसके बाद उन्होंने अपनी तहरीर दी और तहरीर देके मुकदमा कायम कराया। इस तरह से ये पूरी घटना की प्लानिंग, उद्देश्य और कैसे कारित की गई थी, ये पूरा पटकथा जो है इनके द्वारा रची गई थी। जैसा मैंने बताया इसमें मेन पुजारी सीताराम दास, जो इनका सहयोगी जो चोटिल है सम्राट दास,
उनका एक और साथी विपिन, प्रधान, प्रधान के दोनों पुत्र शिवशंकर, मुन्ना और सोनू इस तरह पूरे घटना में शामिल रहे, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार हैं। एक जो सम्राट दास चूंकि चोटिल है, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, वो हमारी निगरानी में है, और एक अभियुक्त सूरज जो प्रधान का पुत्र है वो फरार है।